नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश में वर्तमान में शराब के कारण कई घटनाएं घट चुकी हैं। शराब द्वारा लगातार हृदय विदारक घटना घट रही है, जिसका खामियाजा प्रत्येक जिले ग्राम पंचायत परिवारों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण मध्य प्रदेश में संत गुरु हरिगिरि महाराज चंबल आश्रम मुरैना द्वारा शराबबंदी मुहिम चलाई, जिसमें आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम अग्रसेन पार्क जीवाजीगंज में SDM को ज्ञापन दिया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे मुरैना विधायक राकेश मावे, जिला कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, वीरेंद्र वकील, बद्री प्रसाद जाटव, अनेक लोग मौजूद रहे। ये शराबबंदी का अभियान इसलिए छेड़ा गया है कि शराब से कई घर बेघर हो गए हैं, कई माता पिता पुत्र द्वारा पुत्र विहीन हो गए हैं। इस पीड़ा को समझते हुए संपूर्ण समाज के द्वारा बाबा हरिगिरि महाराज द्वारा आज जो एक महारैली का आयोजन करने होना था, कोरोना को देकर महाराज जी ने कलेक्टर महोदय के आदेश अनुरोध पर उन्होंने ये निर्णय कैंसिल किया कि नहीं, हम कोरोना महामारी के और प्रशासन के हम साथ हैं और हम संकेत एक सार्वजनिक जगह पर इकट्ठे होंगे और वहाँ पर ज्ञापन दे के सब अपने अपने घर चले जाएंगे, अपने अपने स्थानों पर चले जाएंगे, जहाँ जिसका महंतों का जो स्थान है वहाँ चले जाएंगे। और उसको लेकर अगर महाराज जी का ये आदेश, अगर मुख्यमंत्री जी इसको अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं और इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो महाराज जी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश में महाराज जी इस आंदोलन को ले जाएंगे, जिसमें सर्व समाज उनके साथ रहेगा। आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।